दोस्तों, मानवों को धरती के सबसे लालची प्राणी के रूप में पहचाना जाता है। बाकी के सभी प्राणियों को जहां रहने का एक ठिकाना और भोजन पानी की ही आवश्यकता होती है, वहीं मानवों की आवश्यकता असीमित है। आज से लगभग 6000 वर्षों पूर्व मानवों ने धातुओं का इस्तेमाल जाना। शुरुआती मानवों को लगा कि धातुओं से पत्थरों के मुकाबले कहीं अधिक नुकीले, वजन में हल्के लेकिन मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाले हथियार बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे इन धातुओं का इस्तेमाल बर्तनों आदि के रूप में भी शुरू हुआ, लेकिन जब मोटर और इंजनों का युग आया तो धातुओं ने मानवों के जीवन की काया ही पलट कर रख दी। आज जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है, उसे बिना धातु का इस्तेमाल किए बना पाना संभव नहीं है। 17वीं और 18वीं शताब्दी को विज्ञान के शुरुआती युग के तौर पर जाना जाता है। इस दौर ने धातुओं के इस्तेमाल को नए आयाम दिए और अब धातुओं को हासिल करने के लिए इंसान ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंचने लगे थे जिनके बारे में जानकर भी आपका मन खौफ से भर जाएगा। इसे देखिए, ये है लेवेंट खदान, जिसे अंडरसी माइन के नाम से भी जाना जाता है। बाहर से दिखने पर यह खदान जितनी सामान्य लगती है, इसकी अंदरूनी संरचना उतनी ही भयानक है। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या कहिए खड़ी और पड़ी लकीरें आप देख रहे हैं, ये सब लेवेंट खदान का असल रूप है। इन लकीर रूपी सुरंगों में इंसान जाते थे और धातुएं निकालकर लाते थे। ये सफर कितना कठिन था और जब लेवेंट खदान एक हादसे का शिकार बनी तो वो हादसा कितना भयानक रहा, ये सब आप आगे की वीडियो में जान ही जाओगे। लेकिन उससे पहले दो महत्वपूर्ण बातें। इस तरह के वीडियो के घटनाक्रम शायद आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए अपनी सूझबूझ से काम ले। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस आसान कार्य को करते हुए चैनल से अवश्य जुड़े रहें। दोस्तों, वर्तमान की बात करें तो आज कहीं भी कार्य कर रहे कर्मियों के लिए कई प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं। हेलमेट से लेकर सुरक्षा बेल्ट तक का इस्तेमाल अब काफ़ी आम बात है। वहीं गहरे स्थानों पर कार्य कर रहे लोगों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर इत्यादि भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह के सुरक्षा तरीकों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि आज मजदूरों एवं मालिकों के मध्य में अच्छा व्यवहार स्थापित हो गया है। असल में इस तरह के सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध कराने का मुख्य कारण कड़े कानून हैं। बीते वक्त के साथ मजदूरों की सुरक्षा हेतु कानून पूरे विश्व में बनाए गए हैं, परंतु अतीत में इस तरह के कानून नहीं होते थे, इसलिए गरीब मजदूरों की सुरक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि लेवेंट खदान की बात की जाए तो इसे वर्ष 1820 में शुरू किया गया था। ये खदान इंग्लैंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर स्थित थी, जिसे मूल रूप से तांबे की खदान के रूप में जाना जाता था। हालांकि तांबे के साथ साथ यहाँ से अल्प मात्रा में कुछ अन्य धातुएं भी प्राप्त हो जाती थी। ये वो समय था जब विद्युत और ऊर्जा से संबंधित नित नए आविष्कार हो रहे थे और ऐसे हालातों में तांबा एक महत्वपूर्ण धातु थी। यही वजह रही कि शुरुआत में एक छोटी खदान के रूप में शुरू हुई लेवेंट लगातार खुदाई के कारण एक विशाल खदान में बदल गई। ये पृथ्वी में 2000 फीट की गहराई पर जा चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लेवेंट खदान अंटार्कटिक महासागर के नीचे भी 1 मील यानी 1.5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक भीतर की ओर घुस चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि ये जो ऊपर वाले सुरंगें दिखाई दे रही हैं, यदि इनमें मौजूद मिट्टी ढह जाती तो अंटार्कटिक महासागर का पानी बेहद तेज प्रेशर लेकर पूरी खदान को कुछ एक सेकंड्स में ही किस तरह से तबाह कर सकता था। लेकिन लेवेंट खदान में परिस्थितियां इस संभावित खतरे से भी अधिक खराब थी। इंग्लैंड के जिस हिस्से में ये खदान मौजूद थी, वो हिस्सा आमतौर पर अपने ठंडे मौसम के कारण जाना जाता था, किंतु पृथ्वी के 2000 फीट नीचे मौजूद लेवेंट में हमेशा ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। हालांकि 40 डिग्री तापमान में काम अनेकों मजदूरों द्वारा दुनिया भर में किया जाता रहा है, लेकिन एक खदान जहाँ बहती हवा का कोई जरिया नहीं होता, इतने तापमान में मानव शरीर को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। इस खदान में कई बार मजदूरों को बिना कपड़ों के ही कार्य करना पड़ता था। यहां तक कि गर्मी के मौसम में उन्हें अपने अंडरगार्मेंट्स भी उतारने पड़ जाते थे, क्योंकि पूरे दिन पसीने में भीगे कपड़े त्वचा को गला सकते हैं। जाहिर है कि 1820 के जमाने में इस खदान में पूर्ण रूप से अंधेरा हुआ करता था और इस अंधेरे से निपटने के लिए मजदूरों ने एक अनोखा इंतजाम कर रखा था। सभी मजदूरों को अपने सर पर एक मोमबत्ती रखनी होती थी। ये मोमबत्ती ही खदान को रोशन करने का इकलौता जरिया होता था और मोमबत्ती से टपकता मोम मजदूरों के सर या कमर आदि पर टपक कर उन्हें जख्म देता रहता था। लेवेंट खदान के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगाई हुई थी। यहाँ एक के बाद एक 80 सीढ़ियाँ थी और मात्र इन सीढ़ियों से उतरना एवं चढ़ना बेहद मेहनत का कार्य था। औसतन एक मजदूर को सीढ़ियों से नीचे उतरने और चढ़ने के लिए ही 2.5 से 3 घंटों का वक्त लग जाता था। उस पर से खदान के भीतर
लगातार 8 घंटों तक कार्य भी करना होता था, यानी कुल मिलाकर यहाँ मजदूरों को 10 घंटों से अधिक खपाने पड़ते थे। एक बार नीचे उतरकर बारूदी विस्फोटों के जरिए मिट्टी को ढहाया जाता था और फिर हाथों से ही उस मिट्टी से कच्चा तांबा अलग किया जाता था। इस तरह के विस्फोटों में खदानों के ढहने का हमेशा ही खतरा बना रहता है, लेकिन बावजूद इसके इस खदान में 500 से अधिक मजदूर हमेशा कार्यरत रहते थे। लेवेंट खदान में हादसा होना काफ़ी सामान्य समझा जाता था। अक्सर सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय थके हुए मजदूरों का पैर फिसल जाने के कारण वो नीचे गिरकर मारे जाते थे। कई बार विस्फोट के दौरान सुरक्षा न होने के कारण भी मजदूर मलबे के नीचे दब जाते थे या विस्फोट की तेज रोशनी से अंधे तक हो जाते थे। घायल या मर चुके लोगों को एक ड्रम में डालकर रस्सियों की मदद से ऊपर खींच लिया जाता था और उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाता था। घायल के इलाज की कोई जिम्मेदारी खदान मालिकों की नहीं थी। शायद आपके मन में ये प्रश्न हो कि आखिर ऐसी खतरनाक जगह पर ये मजदूर कार्य ही क्यों करते थे, तो असल में इसके दो कारण थे। पहला, अधिक मेहनताना और दूसरा, कहीं और कार्य ना मिल पाना। दोस्तों, वर्ष 1840 तक इस खदान में लिफ्ट जैसे उपकरण लगाने की भी कोशिशें की गई। ये लिफ्ट एक भाप के इंजन से चलती थी जो लगातार थोड़ी ऊपर और थोड़ी नीचे की ओर जाती आती रहती थी। लिफ्ट में एक के ऊपर एक कई कक्ष बना दिए गए थे जिन पर कुछ इस तरह से सवार होकर मजदूर लेवेंट खदान में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाते थे। इस वजह से मजदूरों को बार बार चलती हुई लिफ्ट में चढ़ना और उतरना पड़ता था और ये काम सीढ़ियों से भी अधिक जोखिम भरा हो जाता था। हाँ, लेकिन इस लिफ्ट की मदद से खदान में जाने और वापस आने के समय में जरूर बचत होने लगी थी। इस लिफ्ट का इस्तेमाल अगले लगभग 7 दशकों तक होता रहा और वर्ष 1900 आते आते जाहिर है कि इस लिफ्ट के कलपुर्जे काफ़ी पुराने और ख़राब हालात में पहुँच चुके होंगे, लेकिन बावजूद इसके लिफ्ट में सुधार करने या इसे बदलने की कोई कोशिश नहीं हुई और यही वजह बनी एक गंभीर हादसे की। 20 अक्टूबर 1919 के दिन जब खदान में काम करने वाले श्रमिक वापस बाहर आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। असल में लिफ्ट के ऊपर लगा हुआ धातु का एक भारी भरकम ब्रैकेट, जिसका इस्तेमाल लिफ्ट को थामे रखने के लिए किया गया था, बीच में से टूट गया। ये ब्रैकेट लिफ्ट की उस मुख्य रोड से जा टकराया जिस रोड के सहारे फिसलती हुई लिफ्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाती थी। ब्रैकेट के प्रहार के कारण लिफ्ट की रोड कई जगहों से टूट गई और पूरी लिफ्ट ढहते हुए खदान की मुख्य सुरंग में ही समा गई। उस समय खदान के भीतर 187 मजदूर मौजूद थे जिनके बाहर आने का कोई जरिया नहीं था। अपने ऊपर गिरती लिफ्ट को देखकर दर्जनों मजदूर लिफ्ट के आसपास बने कक्षों में कूद गए। वहीं कुछ मजदूर इस गिरती लिफ्ट के नीचे दबकर तुरंत ही मारे गए। लिफ्ट के गिरने से हवा का जोरदार बहाव खदान में प्रवेश कर गया। इस प्रभाव से मजदूरों के सर पर और ऊपर आने के रास्ते में लगी तमाम मोमबत्तियां बुझ गई और चारों ओर एक भयंकर अंधकार पसर गया। जो सबसे खराब बात रही वो ये कि ढह चुकी लिफ्ट ने ऊपर आने के रास्ते को पूरी तरह से अवरोधित कर दिया। सुरंग के भीतर कई सौ मीटर ऊंचाई तक लिफ्ट के मलबे का ढेर लग गया, जिसे हटाकर जिंदा बचे मजदूरों को बाहर निकाल पाना बेहद कठिन चुनौती वाला कार्य था। लेकिन बचाव प्रयास शुरू हुए। जैसे जैसे ये खबर पूरे इंग्लैंड और यूरोप में फैली, लेवेंट खदान में फंसे इन गरीब मजदूरों का दर्द अन्य मजदूरों ने ही समझा और यूरोप के कई खदानों में कार्य करने वाले मजदूर लेवेंट खदान के बाहर बचाव के लिए इकट्ठा हो गए। सबसे पहला कार्य लिफ्ट के मलबे को सुरंग से बाहर निकालने का था। इसके लिए मजदूर रस्सियों की मदद से खदान में उतरते और मलबे के टुकड़ों को रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाहर निकालते। अधिक बड़े टुकड़ों को पहले कुल्हाड़ी या आरियों की मदद से काटा जाता और फिर बाहर निकाला जाता। खदान के मालिक लोगों के विरोध और नाराज मजदूरों के हमले के डर से इस हादसे के तुरंत बाद मजदूरों को फंसी हुई हालात में ही छोड़कर भाग निकले, किंतु मदद को आए अन्य खदानों में काम करने वाले मजदूर भूखे प्यासे रात और दिन इस बचाव कार्य में बिना किसी तनख्वाह या लोभ लालच के जुटे रहे। 2400 घंटे निरंतर रस्सियों से मलबा खींचते हुए इन गरीब मजदूरों के हाथ तक कट गए जिनसे लगातार खून रिस रहा था, परंतु इन गरीबों ने बचाव प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है कि किसी गरीब का दर्द कोई दूसरा गरीब ही समझ सकता है। दूसरी ओर नीचे फंसे मजदूर भी अपनी तरफ से बाहर निकल आने के भरसक प्रयास कर रहे थे। इन मजदूरों ने अंधेरे में दोबारा से मोमबत्ती
पत्तियों को जलाकर रोशनी की और उसके बाद ये सभी मजदूर जितना हो सकता था रेंगते हुए या मलबे के बीच से गुजरते हुए एक दूसरे के पास आ गए। इन्होंने मरे हुए लोगों में से कुछ जिंदा पड़े घायलों को तलाशा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन रास्ते में पड़े मलबे के ढेर के कारण उनके पास बाहर आने का अभी भी कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो सभी टकटकी लगाकर केवल मदद की ही उम्मीद कर सकते थे और आखिरकार उनकी उम्मीद सकारात्मक रही। 3 दिन के कठोर परिश्रम के बाद लेवेंट खदान के बाहर कार्य कर रहे मजदूरों ने काफी हद तक लिफ्ट में फंसे हुए मलबे को खदान से निकाल बाहर किया और ये मजदूर खदान के भीतर प्रवेश कर गए। हालांकि इस दौरान इस हादसे के कारण खदान में फंसे 31 मजदूर मारे गए, लेकिन शेष 156 मजदूरों को उनके साथियों ने बाहर निकाल लिया। इनमें से करीब 21 मजदूर गंभीर रूप से घायल थे तथा बाकी के 135 मजदूर या तो सुरक्षित थे या उन्हें आंशिक रूप से ही चोटें आई थी। दोस्तों, इतना तो तय था कि लिफ्ट का जो ब्रैकेट टूटा था वो कई दशक पुराना हो चुका था। जाहिर है यदि उस ब्रैकेट को समय रहते बदल दिया जाता तो इतना गंभीर हादसा नहीं होता, परंतु एक ऐसा समय था जब अमीर आदमी आसानी से अपने पैसों के दम पर कोर्ट के निर्णय को भी पलट सकते थे। शायद यही वजह रही कि बाद में इस लापरवाही से भरी घटना को केवल एक संयोगवश हुई दुर्घटना ही माना गया और लेवेंट खदान के अमीर मालिकों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। यहां तक कि खदान मालिकों द्वारा घायल या मर चुके व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा देने को भी बाध्य नहीं किया गया। वहीं खदान मालिकों ने अपने नुकसान की भरपाई के तौर पर बीमा कंपनियों से मोटी रकम वसूल कर ली, लेकिन गरीब मजदूरों की मजबूरी पर इन खदान मालिकों को जरा भी तरस नहीं आया। हालांकि बाद में कुछ निजी संस्थाएं इन मजदूरों के लिए आगे आई और लोगों से दान में मिले पैसे जुटाकर इन मजदूरों की थोड़ी बहुत मदद की गई, लेकिन ऐसे मजदूर जो बेचारे इस दुर्घटना में अपने हाथ या पैर गंवा चुके थे या जिनकी मौत हो चुकी थी और उनके परिवार में और कोई कमाने वाला सदस्य भी नहीं था कि पारिवारिक हालत इस हादसे के बाद से ही बेहद खराब रहे। वस्तुतः अतीत में अमीर लोगों की लापरवाही के कारण इस तरह के अनेकों हादसे हो जाना काफी साधारण बात होती थी और अमीरों की इस लापरवाही का खामियाजा बाद में गरीबों को ही भुगतना पड़ता था। इसलिए आगे चलकर मजदूरों के हक में अनेकों कानून पूरी दुनिया भर में बनाए गए और आज कुछ हद तक इन गरीब श्रमिकों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है, परंतु अभी भी हालातों में काफी सुधार होना बेहद आवश्यक है। बहरहाल, यदि आपको इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। यदि पहली बार इस चैनल पर आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।